आज स्थापना दिवस केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक जो काले कानून पास किए हैं उनको आज स्थापना दिवस पर उस रूप में मनाया जाए कि किसान विरोधी हैं, किसानों से संवाद किया जाए, इनको समझा जाए, इसलिए आज ये मीटिंग रखी। सर अभी अभी जब आप स्टेज पे थे तब दिनेश जी ने एक गो भारण के लिए प्रपोजल आपको बताया था, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष में घोषणा की थी कि हम बाकायदा मतलब नंदी है नंदों के लिए जिले स्तर पर हम करेंगे। कोरोना आ गया इसलिए बस इस वर्ष से आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री घोषणा उसकी पालना करें। सर दूसरा ही हमारे यहाँ लोहारगढ़ जो सबसे बड़ा स्थान हम लोग हरिद्वार से भी बड़ा उसे मानते हैं जी, अभी वो डेवलप नहीं है और काफ़ी वन क्षेत्र उसके अंदर आता है। देखो वन क्षेत्र में तो निर्माण कार्य कर दे सकते हैं क्योंकि भारत सरकार का 1972 एक्ट बना हुआ है, उसको डाइवर्सन करके कर सकते हैं, जो भी हमारे राजकुमार जी की राय होगी उसके अनुरूप हम उसको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। माननीय जो हमारे विधायक जी पूर्व मंत्री उनके अनुसार जो वो चाहेंगे, आप प्रधान जी की जो मांग है उसके अनुरूप हम करने का प्रयास करेंगे। जो क्या हम दे सकते हैं क्या कर सकते हैं उस पर पूरी जानकारी लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जब गर्मी आती है काफ़ी चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो पेड़ खूब लगाते हैं, लेकिन सर बाद में होता क्या है कि अब एक दिखावा हो गया काफ़ी सारे पेड़ यहाँ से चले गए लेकिन सर वो बसते नहीं हैं। देखो मेरे आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश था कि हमारी नर्सरी के अंदर जो पेड़ लगे, जो पेड़ वहाँ की स्थानीय प्रकृति चाहती है, वहाँ का भूगोल क्या कर रहा है, तो यहाँ जो आपके झुंझुनू के अंदर खेजड़ी है या दूसरे जो भी स्थानीय पुराने पेड़ हैं जो प्रकृति के अनुरूप है वो नर्सरी में लगाए जाए। जो चोलीपुरा है या किंकर है उनको नहीं लगा करके फलदार पौधे हैं, फूलदार पौधे हैं, स्थानीय प्रकृति के अनुरूप नर्सरी पौधे तैयार किए जाए। और मैंने मेरे फॉरेस्ट अधिकारी को कह रखा है कि केवल मात्र आंकड़े नहीं बढ़ाने, जितने 12 महीने आप पौधे सर्वेल कर सकते हो, जिंदे रख सकते हो, मतलब 70% पौधे जिंदे रहने चाहिए 3 साल तक। जितने पौधे हमारे मैनुअल पावर अपने पास हैं, जितने भी आर्थिक स्थिति है उसी अनुरूप ही पौधे लगाएं, केवल मात्र आंकड़ा नहीं बढ़ाएं, दिखावा नहीं करना है। ये नहीं करें फॉरेस्ट ने 4 लाख पौधे लगाए पनपे नहीं, इसलिए बाकायदा हम निर्देश दिए हैं। फिर आने के बाद में पौधे इतने लगाए गए हैं जो सर्वेल 3 साल रहे, 3 साल के बाद में अपना पनप जाते हैं। सर अब आज आपने नवलगढ़ हॉस्पिटल का दौरा किया, कैसा रहा? देखो बहुत व्यवस्थित बढ़िया, राजकुमार जी ने कर रखी है एमएलए साहब ने, और इन्होंने मतलब वो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट थे उसकी मशीनें भी दे रखी है। मतलब हमारे वहाँ तो जोधपुर जाना पड़ता है, वही अहमदाबाद जाना पड़ता है, यहाँ राजकुमार जी ने यहाँ व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो मंत्री थे तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना है और कभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अंदर है और 22-23 डॉक्टर है। मैं भी देखने के लिए तमाम दवाइयाँ जो इंडोर पेशेंट थे उन्होंने पूछा था कि सभी दवाइयाँ सरकारी अंदर से मिल रही, बाहर से खरीदारी नहीं हो रही है, बिल्कुल व्यवस्थित हॉस्पिटल चल रहा है। एक सर ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से वन क्षेत्र है उनमें अतिक्रमण और अवैध खनन की भी काफ़ी शिकायतें मिलती रहती हैं, उसमें कोई ठोस उपाय अभी तक सरकार की तरफ से नहीं देखो हो पाए। हमारा जो फॉरेस्ट है हमने कैंपा के तहत तो उसमें दीवार बनने का प्रयास किया है, मानो लंबा फॉरेस्ट नहीं कर सकते पर जहाँ शहर के गांव के नज़दीक आया हुआ बाकायदा हमने वहाँ दीवारें की है या तारबंदी फेंसिंग की है। हम भी प्रयास करेंगे कि हमने बाकायदा एक मेरे आने के बाद हमने एक रजिस्टर खोला है डीपो रेंज स्तर पर कि कितना अतिक्रमण पक्का है कितना कच्चा है। बाकायदा मान लो नवलगढ़ के अंदर कितना पक्का कब्जा पहले हो चुका है, कितना कच्चा कब्जा है, कच्चा कब्जा तुरंत हटाने का प्रयास करें, पक्के के लिए और प्रयास करें। एक रजिस्टर मेंटेन होगा, जब नया रेंजर वहाँ ज्वाइन करेगा, नए डी पर ज्वाइन करेगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि पहले मान लो 15 हेक्टर पर कब्जा है, वो 16 हेक्टर तो नहीं हुआ, 17 तो नहीं हुआ, तो जैसे ही 17 हुआ है तो उस DFO को नोटिस देंगे कि आपने ये कब्जा क्यों किया, उसको चार्जशीट देंगे। तो जो भी DFO रेंजर हैं, फॉरेस्टर हैं, गार्ड हैं, वो नया कब्जा नहीं होने देंगे, पुराना जो भी कब्जा हटाने का प्रयास करेंगे। सर एक चीज़ और है कि जहाँ भी देखते हैं चाहे जो नर्सरियाँ वगैरह हैं वहाँ स्टाफ काफ़ी कम है, आप भर्तियों के लिए क्या कर रहे हैं? अभी 1000 भर्ती है हमारी
निकाली है और हमारे जो रेंजर SC पुल की भर्ती निकाली है और बाकायदा हमें सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी हमारे रेंजर उनकी भर्ती निकाली है, बाकायदा SCF की भर्ती निकाली है। अभी कोरोना काल की परीक्षा नहीं हुई और 1000 के आसपास गार्डों की भर्ती निकाली, आने वाले दिनों में जल्दी ये भर्ती पूरी हो जाएगी, तमाम मतलब नर्सरी में जो हमारी खाली थी उसको भर देगी। एक सर, आज जैसे कांग्रेस का स्थापना दिवस है, राजस्थान में काफी लंबे समय से प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया, तो इस पर क्या? देखो, अभी 31 तारीख तक हमारा प्रदेश कार्यकारिणी बन जाएगी और जो भी तमाम हमारे पदाधिकारी उनकी नियुक्ति जिले में जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगी और प्रदेश कार्यकारिणी 31 दिसंबर तक बन जाएगी। एक सर, ये भी देखने में आता है कि कांग्रेस संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं को वो तवज्जो नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। देखो, हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे विधायक गण, हमारे जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान गण हैं, वो ठेठ जो गांव में बैठा है जो कांग्रेस पार्टी के वोटर है उसको तवज्जो दे रहे, तभी तो राजकुमार जी तीसरी बार जीते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जो तवज्जो नहीं दे रहा वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो आम कार्यकर्ता मजबूत होगा, आम कार्यकर्ता को सुनेंगे, लास्ट टेल पे जो किसान पीछे खड़ा उसकी बात सुनेंगे कार्यकर्ता, तभी पार्टी मजबूत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही धारणा है, इस धारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।